नमस्कार दोस्तों, स्वास्थ्य और सौंदर्य चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बगल के बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वास्थ्य और सौंदर्य में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे ग्लिसरीन के बारे में। ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल एक कार्बनिक यौगिक है। यह तेल और वसा के रूप में पाया जाता है। यह रंगहीन एवं गंधहीन होता है जिसका प्रयोग औषधि निर्माण एवं सौंदर्य प्रसाधनों में अधिक होता है। ग्लिसरीन स्वाद में मीठा एवं कम विषाक्तता वाला होता है। ग्लिसरीन के बहुत सारे फायदे होते हैं। स्किन और ब्यूटी केयर में इसकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ग्लिसरीन से त्वचा को होने वाले फायदों के बारे में। तो फिर जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के साथ। ग्लिसरीन में गुलाबजल को मिक्स करके नियमित रूप से त्वचा पर लगाने से त्वचा में निखार आ जाती है। होठों को मॉइस्चराइज करने के लिए शहद और ग्लिसरीन के मिश्रण को होठों पर लगाएं। सूखने पर साफ कपड़े से हल्के से रगड़कर छुड़ाएं। इससे होठों का कालापन दूर होगा तथा होठ नरम व मुलायम बने रहेंगे। ग्लिसरीन को पानी में मिलाकर बाल धोने से रूसी की समस्या समाप्त हो जाती है। दांतों को स्वस्थ रखने के लिए मसूरों पर ग्लिसरीन की मालिश करने से लाभ होता है। कच्चे दूध में 2-4 बूंद ग्लिसरीन मिलाकर रुई की सहायता से चेहरा साफ करने से डेड सेल अच्छे से निकल जाते हैं और चेहरा चमकने लगता है। ग्लिसरीन में गुलाब जल मिक्स करके फटी एड़ियों पर लगाने से जहां एड़ियों का फटना बंद होता है वहीं एड़ियां नरम मुलायम और सुंदर भी हो जाती है। पपीते के छिलकों को सुखाकर चूर्ण बना लें। इस चूर्ण में ग्लिसरीन मिलाकर चेहरे पर लगाएं। सूख जाने पर चेहरा ठंडे पानी से धो लें। कुछ दिन लगातार इस प्रयोग को करने से त्वचा की खुश्की दूर हो जाती है। यदि धूप से त्वचा काली पड़ गई हो तो 1 चम्मच ग्लिसरीन, 1 चम्मच चीनी, 1 चम्मच नींबू का रस समान मात्रा में लेकर मिश्रण तैयार कर लें। अब इस मिश्रण को नींबू के छिलके में लगाकर काली त्वचा पर रगड़ें, फिर पानी से धो लें। इससे सन टैन को आसानी से हटाया जा सकता है। गर्दन का कालापन दूर करने के लिए 1 चम्मच बेसन, 1 चम्मच खीरे का रस, 1 चुटकी हल्दी तथा ग्लिसरीन की 3-4 बूंदे मिलाकर लगाएं। नियमित इस्तेमाल करने से गर्दन का कालापन दूर हो जाएगा। ग्लिसरीन को टोनर के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। नियमित रूप से ग्लिसरीन को कॉटन की सहायता से त्वचा पर लगाएं और कुछ देर बाद पानी से धो लें। नियमित ऐसा करने से त्वचा में कसाव आता है, चेहरे के दाग धब्बे समाप्त हो जाते हैं और चेहरा दमकने लगता है। तो फिर आज इस वीडियो में आपने ग्लिसरीन से होने वाले कुछ सौंदर्य संबंधी फायदों के बारे में जाना। आशा है आपको हमारा ये वीडियो अवश्य ही पसंद आया होगा। हमारे नए नए स्वास्थ्य और सौंदर्य संबंधी जानकारी को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि इसी तरह हम नई नई जानकारियाँ आप तक पहुँचाते रहें। धन्यवाद।